वहीं प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या का शक करीबियों पर। अतीक के सगे साढ़ू इमरान भी शक के घेरे में। पहले अतीक के साथ मिलकर काम करता था इमरान, कुछ विवाद के चलते अतीक से अलग हो गया था। इमरान पर एफआईआर पर अली को हुई थी जेल। अशरद मोहम्मद मुस्लिम की ऑडियो में हुआ था इमरान का जिक्र। इमरान से मिलने पर मोहम्मद मुस्लिम से नाराज हुआ था। सद इमरान का मकान भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया था। इमरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था अतीक। इमरान और मोहम्मद मुस्लिम आखिर क्यों कर रहे हैं लगातार मुलाकात? हत्या से पहले आखिर क्यों होती थी इन दोनों की मुलाकात? ये तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में चल रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के पीछे कोई उनका करीबी ही बताया जा रहा है। ऐसे में असद का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मोहम्मद मुस्लिम से बात कर रहा है और इस बातचीत के दौरान इमरान नाम के एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। ये उसी व्यक्ति का घर है। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस घर को डिमोलाइज कर दिया था और ध्वस्तीकरण कर दिया था क्योंकि ये अतीक अहमद के सगे साढ़ू इमरान का घर है। इमरान वही व्यक्ति है जो लगातार अतीक अहमद के खिलाफ जो है चला गया था। हालांकि साढ़ू के तौर पर पहले अतीक अहमद और इमरान जो है मिलकर ज़मीन के कारोबार में जुड़े, उसके बाद लगातार जो है एक एक जो तमाम संपत्तियां हैं वो बनाई, लेकिन उसके बाद मन मुटाव के बाद इमरान अलग हो गया। उसके बाद इमरान के छोटे भाई जिशान ने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज कराई जमीन मामले लेकर, और उसी मामले में अली जो है वो इस वक्त जेल में है। असद ने कई बार इमरान का जिक्र ऑडियो में किया है जिसमें मोहम्मद मुस्लिम से वो कह रहा है कि इमरान के घर जो है आप आते जाते हैं, इसके साथ साथ इमरान आपके घर आता जाता है और लगातार आप संपर्क किए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरे हत्याकांड के पीछे इमरान का भी कोई किरदार है, क्योंकि पहले साथ में अतीक और इमरान रहते थे लेकिन इतना ज़्यादा मनमुटाव हुआ कि जिशान ने बकायदा एफआईआर दर्ज करा दी और उसके बाद इस पूरे मामले में अली जो है जो जिस मामले में जेल में है वो मामला जो है वो जिशान की एफआईआर पर है। और ऐसे में इमरान और मोहम्मद मुस्लिम की जो करीबी हुई थी जिसका ऑडियो जो है असद ने के मोबाइल से मिला है और असद ने नाराज़गी जाहिर की थी इमरान से मिलने को लेकर, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इमरान के किरदार पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इमरान कहाँ है और इस पूरे मामले में इमरान का क्या कुछ रोल है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज।